आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। हाय ला, चिपकाते हुए बेटे का टॉय हाथ पे चिपका, पोर बॉय। आम चिपकाने वाले चिपका जाते, इसलिए नया रेजी क्विक निकले, एक टाइम पे एक ही ड्रॉप जोड़े एकदम लल्लन टॉप। रेजी क्विक सिर्फ चिपकाओ नहीं, जोड़ो। रामपुर के अजीतपुर गांव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि गांव में चामुंडा माता के देवी स्थान पर जाने के लिए 28 फुट का रास्ता था। गांव के ही तालिब अली ने रास्ता तोड़कर दीवार बना ली है, रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि हर साल चामुंडा माता के मंदिर पर हवन पूजन होता है। हर वर्ष ग्रामीण बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर जुलूस भी निकालते हैं जो चामुंडा माता के मंदिर पर जाता है। साथ ही महिलाओं का आरोप है कि एक साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अधिकारी बार बार आश्वासन देकर टाल देते हैं। रिंकी सैनी, आज आप कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, पूरा मामला क्या है? हमारे मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है, जो अजीतपुर में देवी स्थान है वो पुराना रास्ता है और सारी महिलाएं हमारी पूजा करने आती हैं, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। हमें तो यह है कि वो रास्ता खोल दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो नाले का पानी वानी बह रहा है वो बंद कर दिया जाए। बच्चे स्कूल से आते हैं, महिलाएं निकल कर आती हैं, पानी भरा पड़ा है पूरी सड़कों पर और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ के प्रधान भी कुछ नहीं करते हैं, ये मान कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, कोई रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है, मंदिर का रास्ता बंद कर रखा है। दबंग किस्म के आदमी हैं वो, और वहाँ के लोगों का कहना नहीं माने, महिलाओं ने भी मना करा, हमने भी मना करा, भाई पुराना रास्ता है, ये रास्ता खोल दिया। तो आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन दिया होगा? हमें आश्वासन यही दिया था, क्या पहले भी हमने ज्ञापन दिया था कि साहब हमारा रास्ता कोई बंद नहीं करा जाए, पूजा का स्थान खोल दिया जाए वहाँ से। आपका नाम? विपिन सैनी। कहाँ रहते? अजीतपुर में। आज आप कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? मामला क्या है साहब, हमारे गाँव में एक रास्ता बंद कर दिया, रास्ता है देवी स्थान का, हमारी पूजा पाठ का, आने जाने का, तो वहाँ पे एक तैया वाली है, तो उन्होंने अपना खेत में जो है रास्ता, जो मेन रास्ता है उस पर उन्होंने कम से कम 5-6 फीट बाउंड्री ऊँची कर दी। यानी कि हमारे हिंदू के आस्था जो देवी स्थान पर जाने का एक रास्ता था, जो आस्था थी वही उन्होंने बंद कर दी, और इसलिए वो तकलीफ हम अपनी लेकर डीएम साहब के पास आए हुए हैं। हमने ज्ञापन भी दिया है, आपको बता रहे हैं कि रास्ता हमारा जो देवी स्थान का बंद कर दिया, इसको खुलना चाहिए। जब डीएम साहब खुलवाएँ, एसडीएम साहब खुलवाएँ, जब कोई भी खुलवाएँ अधिकारी, हमें हमारा रास्ता चाहिए, क्योंकि वो हमारी आस्था के प्रतीक है देवी स्थान जो है। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि भाई ठीक है, हमने एसडीएम साहब के लिए आदेश कर दिया है और वो देखेंगे आगे, लेकिन वहाँ पर काम चल रहा है बराबर, वो काम करा रहा है तैया वाली, वो बाउंड्री पर बाउंड्री अपने उसके मजदूर काम कर रहे हैं, वो काम करा रहा है। हमें बहुत तकलीफ है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम बहुत तकलीफ में, हम 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर और अभी तक कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब के पास जाओ तो उन्होंने आदेश कर दिया तहसीलदार के लिए, तहसीलदार के पास जाओ कि उन्होंने आदेश कर दिया कानूनों के लिए, कानून के पास उन्होंने कहा लेखपाल के पास, 1.5 साल से भगाए भगाए फिर कोई